हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, डांस प्लस सिक्स की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जिसका सबको इंतजार था वो अब खत्म हुआ क्योंकि डांस प्लस सिक्स आ चुका है। लेकिन अभी डांस प्लस सिक्स की शुरुआत OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार पर हुई है। हर बार की तरह इस बार भी एक से बढ़कर एक कंटेस्टेंट आए हैं शो में, जो अलग अलग डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शो में कंटेस्टेंट दूर दूर से आते हैं और कुछ कंटेस्टेंट की कहानी यानी लाइफ ऐसी होती है जो सबके दिलों को छू लेती है। यानी कुछ कंटेस्टेंट की लाइफ बहुत ही ट्रेजेडीज और डिफिकल्टीज से भरी होती है। ऐसे ही इस बार एक कंटेस्टेंट शो में आए हैं जिनका नाम है एवन नागपुरी, जिन्होंने एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस से शो में एंट्री करी और उनकी परफॉर्मेंस सबको बेहद ही पसंद आई। उसके बाद उन्होंने बताया कि उनका शो में आने का क्या मोटिव है। उन्होंने बताया कि वो 10 लाख रुपए के लिए शो में आए हैं ताकि वो अपने पापा का कर्जा उतार सके। बता दे, कोरोना महामारी में वो उनके पापा उन्हें छोड़कर चले गए, यानी कोविड बीमारी के चलते ऑक्सीजन की कमी के कारण एवन के पापा की डेथ हो गई और आज पूरी जिम्मेदारी उनके सर पर आ गई है, यानी एक बोझ उनके सर पर। और एवन ने बताया कि डांस उनका पैशन है और डांस ही है जिसके जरिए वो अपने पापा का कर्जा पूरा कर सकते हैं। एवन की इस दर्द भरी दास्तां या कहानी को सुनकर शो में मौजूद सब इमोशनल हो गए, यानी सबको इस दर्द भरी दास्तान ने इमोशनल कर दिया। जी हाँ, और आपको बता दें कि होस्ट राघव जुआल की तो आंखें भी भर आई और उन्होंने एवन के पापा का बैंक का कर्जा 8 लाख रुपए देने का ऐलान किया। आपको हम बता दें कि इस महामारी में सोनू सूद की तरह राघव ने भी जरूरतमंदों की बहुत हेल्प की थी। तो अब आप डांस प्लस सिक्स में एवन के बेहतरीन डांस को देख सकते हैं, वो भी डिज्नी हॉटस्टार पर सोमवार से शुक्रवार।